प्रिय विद्यार्थियों, शुभोदय सभी को। फिर से एक बार मेरी कक्षा में आपको हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जितने भी पिछली कक्षा में जो कुछ भी हमने पढ़ा व्याकरण के रूप में, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और बहुत सारे एकवचन, बहुवचन, लिंग बदलिए और पत्र के बारे में, आज हम जो पाठ्यक्रम सिलेबस आरंभ करने जा रहे हैं, जैसे कि आपकी इच्छा के अनुसार। और आज पहली पाठ पढ़ाया जा रहा है आपको। पाठ का नाम है बड़े भाई साहब। तो पहले हम इसकी टाइटल जानें, तो इसका जब तक हम इसको मीनिंगफुल ना समझेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि बिना टिकट के ट्रेन चलना कितना मुश्किल है, डेंजरस है। उतना ही जब तक इसको समझ नहीं पाएंगे तब तक। टाइटल, बहुत सारे आपने पिक्चर भी देखा होगा, तो बहुत सारे पिक्चरों में टाइटल को पढ़ते ही समझ में आता है पिक्चर क्या होता है। कुछ कुछ होता है DDLG वगैरह, आपने नाम सुनते ही पता चल जाता है इसमें क्या है। ठीक उसी तरह हम पाठ जब तक नहीं समझेंगे, टाइटल जो होता है, हेडिंग जो होता है, जिसको हम सही मायने में समझे तो पाठ अपने आप समझ में आ जाए बस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़े मतलब बड़ा सा, हमसे जो उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग है, 2 साल, 1 साल, 10 साल, 20 साल, जैसे बड़े होते रहते हैं, जिसको हम बड़े भाई मतलब। यहाँ पर भाई के दो रूप होते हैं, एक छोटा भाई, दूसरा बड़ा भाई। मगर यहाँ पर है, यहाँ पर भाई साहब है और ये बड़े हैं साहब। तो बहुत सारे जो इज्जत देने वाले, रिस्पेक्ट देने वाली बात को हम क्या कहेंगे, साहब कहेंगे। जैसे हम बोलते हैं मेम साहब, साहब पुल्लिंग है तो मेम साहब स्त्रीलिंग है। तो ये साहब लगाने से जिस इंसान को हम संबोधित करते हैं वो इंसान क्या होता है जी, इज्जत मिल जाता है। अंग्रेजी में सर, जैसे हम महोदय, जो रिस्पेक्टेबल हुआ कहलाती। तो यहां पर बड़े भाई साहब यहां पर, और कोई नहीं है जो हमारे लेखक है प्रेमचंद, इसके बड़े भाई साहब। इसी का जो बचपन में एक छोटी सी घटना लेकर यहां पर प्रेमचंद अपनी कहानी के रूप में बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आगे प्रेमचंद के बारे में जान। प्रेमचंद एक ऐसी हस्ती है जो हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना एक छापा डाला। इन्होंने 300 से भी ज्यादा कहानियां लिखा और बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, बहुत सारे और नाटक लिखे हैं। इसलिए सभी क्षेत्र में इनका जो नाम है सबसे हिंदी के रूप में बहुत ही इज्जत से लिया जाता है और बड़े उसको प्यार दुलारे से लिया जाता है पूरी हिंदी साहित्य में। प्रेमचंद उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं। हालांकि उन्होंने 300 से भी ज्यादा कहानी पढ़ाया है, कहानी लिखा है, मगर उनको थोड़े ही कम लिखे हुए उपन्यास को नाम उनका संबोधित किया गया, उनको उपाधि दी गई उपन्यास का सम्राट, क्योंकि उनकी जो उपन्यास होते हैं वो बहुत ही यथार्थ रूप को लेकर होते हैं। एक सामान्य इंसान, जो गरीब इंसान, अपनी जो मुसीबतों को लेकर, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जो ये जब भी ये कहानी लिखते हैं, इसलिए इनको उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं। और उन्हीं के बारे में प्रेमचंद, तो इनका पहला बड़े भाई साहब और कोई नहीं है, प्रेमचंद के ही बड़े भाई हैं और उन्हीं का यहाँ पर पहला हम देख ले इनका लेखक परिचय। लेखक मतलब जो मैं एक बार आप ध्यान रखिए, नाटक लिखने वाला नाटक का, उपन्यास लिखने वाला उपन्यास का, कहानी लिखने वाला कहानी का, मगर सभी जो कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता जो लिखता है जिसको हम कहेंगे क्या जी, लेखक, वो सब कुछ लिख सकता है। इसलिए यहाँ पर प्रेमचंद को हम लेखक के रूप में देखे जाएंगे। किताब आपके सामने है, इसलिए शुरू करें। पहले ये महान जो व्यक्ति है प्रेमचंद, इनके
छोटी सी परिचय को लेकर हम शुरुआत करेंगे। प्रेमचंद क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इनका जन्म 31 जुलाई 31 जुलाई हाँ जी ये भी आप ध्यान में रखिए। मैंने आपको अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा मगर ध्यान में रखिए ज्यादातर ज्यादा हम इसको हिंदी अक्षरों को जोड़ेंगे तभी आपके अंक क्या हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे। जुलाई 1880 तो केवल 9 अक्षरों का आराम से समझ सकते हैं जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और 9 अक्षरों को 1 से 9 1 to 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 बस नहीं चाहिए। तो जब तक आप हिंदी इन अंकों को लिखेंगे नहीं आपका जो टारगेट है आउट ऑफ आउट करना 100% मार्क्स लेना ये नहीं होगा। शायद वैल्यूएटर पेपर चेक करने वाला इंसान मूल्यमापन करने वाला इंसान जो व्यक्ति है जो यही देखता रहता है जो ये हिंदी क्या जी उत्तर पत्रिका में लिख रहा है तो हिंदी का अक्षर ही होना आवश्यक है। शायद ऐसा यदि आपने लिखा तो क्या हो जाएगा अंक कट सकते हैं आपके बस वरना यहाँ पर जी ऊपर भी लिखा है इनका नाम 31 जुलाई 1880 यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा हूं 31 जुलाई 1880 ऐसा तो लिख सकते हैं मगर समस्या क्या है यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है तो यहाँ पर इसलिए आपको हिंदी में लिखना है इसलिए 31 जुलाई 1880 जैसे लिखेंगे तो आप बिल्कुल सरल रूप से और ज्यादातर ज्यादा अंक आपको मिलेंगे ये ध्यान रखिए। 1880 में इनका जन्म हो गया 31 जुलाई और बनारस प्रदेश में एक शब्द आपको लिखना पड़ेगा जी बनारस प्रदेश में इनका जन्म हो गया और बनारस एक बड़ा सा शहर है इसके बिल्कुल छोटी सी जो गांव है करीब लमही नामक गांव ध्यान से सुन रहे हैं मैं ऐसा समझ रहा हूं हाँ जी बनारस एक बहुत ही बड़ा शहर बिगेस्ट सिटी इसके बिल्कुल नजदीक छोटा सा गांव गांव मतलब जानते हैं कनाडा घड़ी विलेज हाँ स्मॉल विलेज नाम क्या है इसका लमही नामक गांव में इन इस प्रेमचंद जी का जन्म हो गया। सिंगल प्रश्न में एक अंक की प्रश्न में आपको पूछा जा सकता है एनुअल एग्जाम में जो प्रेमचंद जी का जन्म हो गया कब हुआ प्रश्न आ गया तो आप लिखेंगे 31 जुलाई 1880। शायद ये भी प्रश्न आ सकता है किस शहर में इनका जन्म हो गया तब आपको लिखना है दो प्रश्न बनारस के नजदीक के बड़ा शहर की छोटी सी गांव लमही नामक गांव में इनका जन्म हो गया। हर छोटी सी छोटी शब्द भी आपको बहुत ही बड़ी मुसीबत हो सकता है जी इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। और बनारस एक बड़ा सा शहर है इसके बिल्कुल करीब करीब मतलब नजदीक पास मुदोड़ के आसपास मुदोड़ एक छोटा सा शहर है और इसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे विलेज और गांव है तो ऐसे ही सेम बनारस के आसपास रहने वाली लमही नामक छोटी सी गांव में इनका जन्म हो गया। और हम आगे बढ़ रहे हैं इनका बचपन का नाम धनपत राय प्रेमचंद जी का बचपन का नाम क्या है जी धनपत राय नाम से ही पता चल जाता है जी धन पैसा पति तीन शब्द यहाँ पर धन पैसा पति मतलब यहाँ पर वो नहीं जी जो पत्नी का पति होता है और राय तो बहुत ही बड़ा धनवान अमीर रिचेस्ट जो जैसे हम बोलते हैं नाम से इनका पता चल जाता है धनपत राय जैसे हम बोलते हैं कुबेर ये कुबेर कौन है जी लक्ष्मी की पति महाशय जिसको हम कुबेर कहते हैं इसको भी हम धनपत राय बोल सकते हैं क्योंकि लक्ष्मी यहां पर दो
शब्द है यहाँ पर लक्ष्मी, पूरी दुनिया को पैसा देने वाली लक्ष्मी है जिसको हम पूजा करते हैं क्योंकि धन प्राप्ति करने के लिए और विद्या प्राप्ति करने के लिए किसको पूजा करते हैं, सरस्वती जी को। और यहां पर धन पत्र है, मतलब कीजिए जो कुबेर लक्ष्मी जी का पति है वो, पहले लक्ष्मी करोड़पति है अब्जपति है, उसका पति क्या होगा, कुबेर होगा, जो कैलाश में कैलाश पर्वत में, ये कैलाश कहां पर आ जाता है जी, उदोर के आसपास जो शिव जी रहते हैं, शंकर रहते हैं, भोलेनाथ रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, इनकी जो स्थान होता है कौन सा, कैलाश। उन कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा अमीर मानने वाला कौन है, कुबेर। इसलिए धनपत्राय का मतलब और एक अर्थ इसके रूप में थे कुबेर। हाँ, हर छोटी सी छोटी आपको अच्छी समझ आएगी क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, एक छोटी सी लाइन भी छूट गया तो आपके अंक कटे जाएंगे, मार्क्स छूट जाएंगे, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और आगे बढ़ रहे हैं, धनपत राय का बचपन का नाम था, उर्दू में नवाब राय नाम से एक कविता लिखना शुरू कर दिया प्रारंभिक अवस्था में। नवाब राय प्रेमचंद ये बात का नाम, पहला उनका धनपत्र, कितना अजब स्टोरी देखिए जिंदगी का, प्रेमचंद ये बाद में कहानी है, हम और तुम जानते हैं प्रेमचंद को बाद में, मगर उसका पहला नाम धनपत्र था। बाद में इन्होंने चोरी छिपे, कहा जाता है बचपन में इनके माता पिता गुजर गए बेचारे, अनाथ हो गए, इनके एक छोटे चाचा थे, उनके छोटी सी एक कैसे एक तंबाकू का दुकान था, उस दुकान में बैठकर ये कैसे स्कूल नहीं चले गए और वहां पर काम करना शुरू कर दे, क्योंकि जब माता पिता मर गए होते हैं बच्चे अनाथ होते हैं मजबूरन अपना जीवन मुसीबतों से काटना पड़ता है, इसलिए उनके एक छोटे से चाचा थे, उनकी एक दुकान था तंबाकू का दुकान, इसलिए इनका पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। मुंशी का मतलब यह है कैसे जो तंबाकू बेचने वाला, और ध्यान रखिए, इसलिए पहली पहली बार जब वो तंबाकू का दुकान में बैठता रहा बहुत सारे ग्राहक आते रहे वहां पर, और जब वो खाली होता रहा जब वो किताब और कलम लेकर लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे भारत में पहली बार जो शब्द हिंदी वगैरह न हो कारण उर्दू इन्होंने पढ़ाई शुरू किया था, उर्दू में पहली बार जब वो खाली था चारवी पांचवी कक्षा मात्र स्कूल तक गया थे, बाद में उनके चाचा ने उनको मार पीट कर तंबाकू के दुकान बेचने के लिए रख दिया, और वहां पर जब भी वो खाली रहते रहे और नवाब राय नाम से उन्होंने उर्दू में पत्रिका या कविता लिखना आरम्भ कर दिया। हम और तुम माता पिता हमको इतना सारा पैसा देते हैं और सब कुछ देते हैं, खाना पीना पेन कलम जो कुछ भी चाहिए, फिर भी हम पढ़ रहे नहीं। ये जो इंसान है 300 से भी ज्यादा कहानी लिखा है, उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं, ये डर के मारे दूसरों के नाम से कविता लिख रहा है, क्योंकि चाचा जी का पता चल गया तो थप्पड़ मारेंगे, इसे तो उन्होंने नवाब राय नाम से दूसरे नाम से उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। कविता किसमें लिखना है उन्होंने, उर्दू भाषा में, क्योंकि जब भारत में मुसलमानों का राज था उन्होंने जो उर्दू का ही ज्यादातर बोलबाला था, इसलिए मजबूरन उसको उर्दू सीखना पड़ा, इसलिए नवाब राय नाम से पता चल गया। कहानी पर खत्म नहीं होती है, आगे बढ़े क्योंकि इसको समझना है प्रेमचंद क्या चीज था। तो एक बार एक महान लेखक का एक महान संपादक इस तंबाकू के दुकान पे आ जाते हैं, और जब तंबाकू जब खाली रहता है तो जैसे जैसे मैंने कहा धनपत्रा नाम से छोटे छोटे कविताओं को लिखना शुरू कर दिया, तो नवाब राय ये प्रेमचंद जी का नाम नहीं है बल्कि दूसरे एक महान व्यक्ति थे जो उर्दू में लिखने वाले एक बहुत बड़े महान कवि थे, और इसके नाम से उन्होंने कविता लिखना आरंभ कर दिया। तो कहानी आपका खत्म नहीं होता जी, आगे बढ़ जाती है। तो जैसे ही
एक बार एक महान संपादक, संपादक कहते हैं एडिटर, क्या करता है वो किताबों को जो लिखते हैं उनको एक किताब बनाकर संपादन करके किताब बनाता है। एडिटर एक महान व्यक्ति, वो भी बड़े लेखक है, इनके दुकान पर आ जाता है और आने के बाद जो कविता लिखता रहा उनको खाली पेपर में, उसी पेपर में वो कभी कभी तंबाकू लेकर दे देता। तो एक बार वो संपादक इन कविताओं को, नवाबराय नाम से कविताओं को पढ़ जाता है, पढ़ता है तो आश्चर्य हो जाता है, इतनी अच्छी कविताओं को कौन लिख रहा है और वो इंसान कौन है और वो भी कचरे के डिब्बे में मिल रहे मुझे, यह अजब है, क्योंकि तंबाकू का चीप भरकर वो देता रहा। तब हर दिन वो आते रहे और नए नए कविताओं को देखकर धन रहे गए और आखिर बार उन्होंने जबरदस्ती उसको पूछा, ये किताब कहाँ से आ रही है, वरना ये चिट्ठी कहाँ से आ रही है। और डर के मारे जब वो बता गया और मैं ही इन कविताओं को लिख रहा हूँ, आश्चर्य को सीमा नहीं रही। और बाद में पूछा जाता इनको, क्यों ऐसा किया आपने, क्योंकि मेरे चाचा जी कहीं मुझे मारना पड़े इसलिए मैं नवाबराय नाम से लिखता था। तब उन्हें संपादक ने उसको पकड़ा और अपनी पत्रिका में ले गया और बड़े बड़े अच्छे अच्छे कहानी को लिखने के लिए बोल दिया और पैसा भी देना शुरू कर दिया। तो उनका जिंदगी बिल्कुल क्या होगा जी, मोड़ बदल लिया, जैसे हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट अंग्रेजी में, तो यही इनकी टर्निंग पॉइंट है। नवाबराय नाम से ये जाने जाते थे और दूसरा जो व्यक्ति था उर्दू में लिखते रहे, मगर समस्या ये हो गई एक बड़े संपादक के हाथ में हलक गए तो उनका जिंदगी पलट गया और मोड़ लिया। और टर्निंग पॉइंट के रूप में जब वो कहानी लिखना शुरू कर दिया, अच्छे अच्छे कहानी लिखना शुरू कर दिया, नाटक लिखा, उपन्यास लिखा, बाद में इनकी जो नाम पड़ गया प्रेमचंद। तो ये जानना बहुत आपको आवश्यक है, ठीक है। और निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। तो बचपन का नाम इनका जो धनपत राय था इसी नाम से वो जाने जाते थे, बाद में नवाबराय नाम से कविता लिखना शुरू कर दिया। जब उनका जिंदगी बदल गई तो प्रेमचंद बन गए। हाँ, दुनियादारी ने उनको, दुनिया ने एक नाम और नेम रखा, नाम रखा उनका प्रेमचंद। इसलिए अनविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टर, मैनेजरी करने वाले अलावा हंस ने हंस माधुरी जैसे प्रमुख पत्रिकाओं का इन्होंने शुरुआत किया। देखिए हंस माधुरी, ये दो पत्रिका है खुद एडिट करके प्रेमचंद जी जो दूसरों के नाम से लिखते रहे, अब खुद हंस नामक पत्रिका उन्होंने प्रारंभ कर दिया और माधुरी नामक पत्रिकाओं के जरिए अपनी कहानियों को लिखना आरंभ कर दिया। पूरी समाज उन पर फिदा हो गई, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे और पूरी जो भारत में इनका नाम रोशन हो गया, किसके नाम से, प्रेमचंद के नाम से। इसलिए इनको उपन्यास का साम्राज्य कहा जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कुछ समय बाद बंबई के फिल्म नगरी में बिताए गए, लेकिन ये आखिर यद्यपि उनकी कृतियों पर यादगार बन गए। बहुत सारे इनकी जो नाटक है, इनकी जो कहानियां हैं वो फिल्म बन गए, जैसे बहुत सारे उदाहरण आगे हम देख लेंगे जिसके बारे में, पिक्चर भी बने इनके जो कहानियां बड़े बड़े। और इसलिए आजादी को लेकर कही है, दंगे फसाद को लेकर कही है, ब्रिटिशों को हराने के लिए, विरोध करने के लिए कही है, जो बहुत सारे उन्होंने, जो शतरंज का खिलाड़ी, धोखेबाज और ऐसे बहुत सारे, धंगा, ऐसे बहुत सारे नाम से पुरानी पिक्चरों को इन्होंने जो पिक्चर बन गए, फिल्म निकाला गया इनकी जो नाटक का और कहानी को लेकर। इतने महान हस्ती के पाठ को आज हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। आम आदमी के दुख दर्द को बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन के काल में क्या सम्राट, उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं। मैंने आपको कहा फिर इनका और एक उपाधि, इनको हम उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं। सम्राट क्या हो रहे, राजा,
जो उपन्यास के सबसे बड़े सम्राट माने जाते हैं इन प्रेमचंद जी को ये उनकी बहुत ही बड़ी उपाधि है। और अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हो गया, जन्म इनकी 1880 में हो गया, मृत्यु 1936, आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा इसको, 8 फिर अक्टूबर फिर 1936, क्योंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूं जितना आप हिंदी अक्षरों को लिखेंगे उतना ही आपका जो ज्यादा पाएगा। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी है सब के सब मानस सरोवर शीर्षक में 8 खंडों में संकलित है। जितने भी मैंने कहा आपको 300 से भी ज्यादा इन्होंने कविता सॉरी कहानियां लिखा और इन पूरी कहानियों को मानस सरोवर संकलन है, जो जितने भी इन्होंने कहानी लिखा नाटक लिखा उपन्यास लिखा और बाद में इनके मानस सरोवर 8 भागों में संकलित है। जो हिस्सा भाग जो बोलते हैं मानस सरोवर नाम बहुत ही बड़ा एक किताब है, इनको 8 भागों में एक कहते जो 8 भागों में हिस्सा किया गया और बड़ा सा किताब इन्होंने प्रारंभ कर दिया। इनकी प्रमुख उपन्यास बहुत ही अच्छे अच्छे गोदान गबन निर्मला रंगभूमि घोषण आपके सामने किताब है, इनको आप नोट कर लो अच्छी तरह लिख लो। गोदान तो सामाजिक समस्याओं को लेकर लिखा गई ये उपन्यास जो 365 पेज से लिखा हुआ है, क्या ये बड़ा सा एक उपन्यास है 365 पेज, एक छोटी सी विषय को लेकर गोदान करना और इसको लेकर उन्होंने बड़ा सा क्या जी उपन्यास लिखा। गोदान का मतलब क्या है, जब इंसान मरता है मरने के बाद हमारे हिंदू धर्म के अनुसार एक नियम बन गया है, गाय को करी कर एक जो ब्राह्मण को दान के रूप में देना, इसको हम नाम दिया गोदान। गो मतलब गाय, दान करना। और जो गरीब होता है वो किस तरह गायों को खरीदता है, गाय खरीदना कम से कम 4,000 से 5,000 6,000 पैसा वो अपना पेटी नहीं काट रहा है तो गाय को कैसा खरीदेगा, लोग दान रूप कैसा करेगा, एक कैसी पद्धति है, एक कैसी रिवाज है, ये सब कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छी ढंग से उठा उठा कर समस्या को उठाकर जो दर्शाने की कोशिश यहाँ पर जारी। गबन जो नाम से आपको पता चल जाता है चोरी करना, तो एक छोटी सी एक इंसान जो उनका आगे पता चल जाता है आपको इनके बारे में पढ़ने के बाद, गबन मतलब चोरी करना। यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ी छोटी सी समस्या को लेकर मनुष्य जीवन में चोरी करने की
इल्जाम या चोरी करने के बाद किस तरह अपने जीवन में हुड़दंग मचाता है, समस्या आ जाती है। यहाँ पर ये भी 250 पेज का 250 पेज एक बड़ा सा उपन्यास है। निर्मला नामक एक छोटी सी लड़की, जो उस लड़की शादीशुदा होने के बाद छोटी सी बच्ची है, सिर्फ 10 या 12 साल की, और तो छोटी सी बच्ची इस लड़की का नाम निर्मला है। उन्होंने शादी कर रही है सिर्फ 8 से 10 साल की लड़की, और लड़का है 30 साल का। ये जो भेदभाव है लड़की और लड़के में, समस्या को उठाकर यहाँ पर बताया गया। रंग भूमि ऐसे बहुत सारे जो हम उपन्यास के साथ लिखने वाले, और प्रेमचंद के बारे में आज हम जाना, पाठ अभी शुरू नहीं हुआ जी, हम अभी ट्रेन में बैठे हैं, टिकट निकाल रहे हैं, तो प्रेमचंद के बारे में हम बात जान रहे हैं। तो ऐसा बोला जाए तो 10 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे हमारे, छोड़ दो, और अगली कक्षा में हम बड़े भाई साहब के बारे में विशेष रूप से। तो मैंने आपको कहा बड़े भाई साहब और कोई नहीं है, प्रेमचंद के ही बड़े भाई, और अपनी इस पाठ में ये भी एक पात्र है, प्रेमचंद आल्सो कहते एक पात्र है, और इनके बड़ा भाई, दो ही मन को प्राप्त कर रहे हैं पर। तो इनके बारे में हम विशेष रूप से अगली कक्षा में देख लेंगे। मैं सोच रहा हूँ, और आपके पास किताब अवश्य होंगे, और किताब में ऑलरेडी दे चुके हैं यहाँ पर, देख सकते हैं, और उसका फोटो भी दिया गया है वहाँ पर, और अच्छी तरह, और वहाँ पर एक ऊपर यहाँ पर एक थोड़ा सा मार्क है छोटा सा, यहाँ पर आप देखने के बाद पता चल जाएगा, यदि आपने उसको गूगल में सर्च किया तो पूरी जीवनी आ जाती है आपके फोन में, इसलिए ये भी आपको सुविधा है जी, हाँ इसलिए देख सकते हैं पूरी को। यदि कोई समस्या है तो हम और तुम फिर डिस्कशन करेंगे, शुरू होते हैं।